देखो, सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट करके इस गाड़ी की साउंड सुनाता हूँ मैं आपको कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, इस गाड़ी में हम क्या काम करने वाले हैं। देखो, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनोगे ना तो एक साउंड सुनाई देगी। अब आप लोगों को सिर्फ इतना बताना है कि ये जो साउंड है ये किस चीज़ की है, फिर मैं आपको ये चीज़ खोल के दिखाता हूँ कि ये किस चीज़ की साउंड है, जिससे आपको भी पता चलेगा कि हाँ यार, जो आपने बोला था ये चीज़ वही चीज़, मतलब ये जो साउंड है ये उसी चीज़ की साउंड है। और क्या ये आप अपनी जगह सही हैं या जो मैं आपको बताऊँगा वो चीज़ सही है, क्योंकि मैं तो आपको करके दिखाने वाला हूँ, आपको खाली सोच के गैस करके बताना है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर। काफ़ी टाइम के बाद एक दोबारा नया वीडियो बना रहे हैं। फिलहाल आज का जो वीडियो है, वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट यह है कि इंजन से ना एक साउंड आ रही है, इंजन हमारी ये है, इसके लिए इंजन खुलेगा, ये तो मैं आपको बता देता हूँ। इंजन खुलेगा तो कितना एक अमाउंट चाहिए होता है ये हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका हाफ इंजन खोल देता हूँ। हाफ इंजन बोलते हैं हेड ब्लॉक को। एक बार इसका हेड ब्लॉक खोलता हूँ, जिससे आपको एक छोटा आइडिया हो जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और इसको कैसे शॉर्ट आउट करेंगे और ख़र्चा कितना आने वाला है। सबसे पहले ये दो आइटम खोलते हैं। तो वही गाड़ी है, अभी हमने इसका ना ब्लॉक खोल दिया है और देखिए इसके अंदर जो है चाल काफ़ी बढ़ गई है। अब मज़े की बात दिखाता हूँ मैं, इसके अंदर एक लॉक ना देखो, उसके अंदर पड़ा हुआ है लॉक, ये पता नहीं कैसे इसके अंदर रुक गया है। अब देखो इसकी जो है ना, वो आवाज़ आ रही थी, इसके अंदर इतनी ज़्यादा चाल आ गई है। अब देखो, हल्की फुल्की साइड प्ले हो तो चल जाता है, पर साइड प्ले के साथ इसमें ऊपर नीचे की जो चाल आ गई है उसकी वजह से इसे खोलना पड़ रहा है। अभी इसको खोलते हैं पूरा, फिर वो साउंड सुनाते हैं जो ये किस तरीके से साउंड आएगी ऊपर नीचे करके। इसके लिए इसको तो पूरा ही खोलना पड़ेगा। तो देखो, अभी हमने ना इंजन को खोल दिया है और इसके अंदर ये भी बताऊंगा मैं कि आखिर ये जो ख़राब हो रखा है सीन, उसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहले आपको क्रैंक दिखाते हैं, जो क्रैंक की साउंड थी वो किस टाइप से आती है। अब इस साउंड को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि अब मैं ऊपर से इस तरीके से हाथ मारूँगा और एक यहाँ पर साउंड आएगी, सुनना उसको ज़रा। तो ये जो साउंड आ रही है, ये जब गाड़ी चला रहे थे, लोड पड़ रहा होता है उस टाइम पे ये साउंड बहुत तेज आती है। देखो दोबारा, एक तो ये कारण हो गया। इसको पकड़ना, आप इसको पकड़ो, यहाँ पे पकड़ो, बात तो सही, इसके अंदर रख दो इसको। और दूसरा जो ये ख़राब हुआ है, इसके इंजन में ना ये देखो, मतलब जो क्रीम बन रही है, ये कारण है कि भाई इसके जो क्रैंक ख़राब हो गए, क्योंकि जो इसके ओनर थे उन्होंने भी बोला था कि भाई एक वीडियो बना के बताओ कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। ये ऑयल यहाँ पे जाके जम जा रहा है और वो गाद बन जा रहा है, गंदी वाली गाद। इसलिए कहते हैं कभी भी ऑयल डालें तो ऑयल अच्छी कंपनी का यूज़ करिए, जिससे ऐसी गाद ना बने, वाइट ना पड़े और ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, मिलते हैं आपसे बात।